माया काया छाया, क्या कहते हैं इनको लेकर के? जब एक ही है देव तो माया कहां से आ गई, माया कही आई न तो छाया कहां से आ गई, छाया कभी आई न तो काया कहां से आ गई, आया गया कोई नहीं है भ्रांति तब मति छा गई। जब एक ही है देव तो माया कहां से आ गई, परमात्मा तो एक ही है ना, एक अभी अद्वितीय है, तो उसमें ये माया कहां से आ गई? माया ने दुनिया का निर्माण किया है। ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम, ये जगत का मूल क्या है? ये मूल के ऊपर कौन है? माने उष्णता, किसकी उष्णता? उष्णता नाम का कोई वस्तु है क्या? ये गुण है, गुण हमेशा गुणी के साथ होता है। पंचदशी के द्वितीय अध्याय में इसका विषय विश्लेषण किया है। देखो मीठा, क्या मीठा है? नहीं, आपकी आवाज मीठा है, आई मीठी। अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद। लंबा, क्या लंबा है? तुम्हारा दिमाग। अच्छा, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से माया, किसकी माया? तो माया कहते हैं शक्ति को, गुण और गुणी। आम ये गुण गुणी है, उसका गुण क्या है? वो मीठा है। मिर्ची ये गुणी है, उसका गुण क्या है? वो तीखी है। लेकिन बिना तीखी मिर्ची चाहिए तो फिर शिमला मिर्च ले लो। देखो तो जब एक ही है देव, तो यदि देव भगवान एक ही है तो माया कहां से आई? अरे बाबा, माया कहीं से नहीं आई। जिसके कारण जो है वो उसका गुण धर्म है। तो गुण और गुणी ये अलग अलग नहीं होते, एक ही होते। तो जब एक ही है देव तो माया कहां से आ गई, इसका चिंतन हमने किया है विवेक चूड़ामणि में। वहां भगवान शंकराचार्य इस माया की बात बताते हैं। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति सद अपि असद अपि उभयात्मिकानो भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो अंग अपि अनंग अपि उभयात्मिकानो कश्चित अद्भुता परमेश शक्ति। बड़ी अद्भुत है ये शक्ति। इस शक्ति को हम केवल कार्यानुमेय सुधियैव गम्य, ये केवल उसके कार्य से, उसके इफेक्ट से ही हम समझ सकते हैं। जैसे अग्नि, उसकी ये जो उष्णता है या जलाने की शक्ति है, इस शक्ति को हम कैसे जानेंगे? जब हम उस अग्नि में लकड़ी को डाल देंगे तो लकड़ी जल के खाक हो जाएगी। तो लकड़ी में अग्नि है लेकिन उसके कारण लकड़ी जलती नहीं, लेकिन वही उसी लकड़ी को यदि अग्नि को प्रज्वलित करके प्रज्वलित अग्नि में डालें तो उसमें लकड़ी जल गई। तो दो बातें हो गई। अव्यक्त रूप से जब अग्नि है तब वो रूप का आधार है, और व्यक्त रूप से वही अग्नि रूप को नष्ट करने वाला है, और फिर भी आपको यह अग्नि की उष्णता शक्ति का अनुभव नहीं आएगा, क्या उसको पहचान नहीं पाएंगे? पंचदशीकार ने उदाहरण दिया है कि आपने जलता हुआ कोयला देखा, उसमें वो दाही का शक्ति है, तो उसमें दिखती है कि दाही का शक्ति नहीं दिखती। फिर आपने उस जलते हुए कोयले को अपने हाथ में रखा, जैसे हाथ में रखा तो फेंक दिया, फिर वहाँ एक ब्लिस्टर आया, तो वहाँ जब फोड़ा आया
तो वो जो जलाने की शक्ति थी क्या वो फोड़े के साथ है? क्या फोड़े के साथ नहीं है? क्या वो अग्नि के साथ है? अग्नि के साथ होती तो अग्नि को जला देती, अग्नि को कभी जलाती नहीं, तो है कहाँ वो? देखो तो माया कहाँ से आ गई? माने यह परमात्मा सत स्वरूप, उसकी जो अनंत शक्ति है वो चित स्वरूप, और इस अनंत शक्ति की जो अनंत अभिव्यक्ति है वो आनंद है, और इस आनंद को प्रकट करने के लिए चित शक्ति तीन प्रकार से प्रकट होती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। जब तक की इच्छा नहीं होगी तब तक के ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक के क्रिया नहीं होगी, और यह इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये केवल सजीव प्राणी में ही होता है, निर्जीव में नहीं होगा। देखो माने चैतन्य तो सब जगह है, लेकिन चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में होगी तभी ये संभव है। इसीलिए जब एक ही है देव तो माया कहाँ से आ गई? तो माया को, परमात्मा की शक्ति को परमात्मा से अलग नहीं करना है हमको। कुपुत्रो जायेत कुमाता कदापि न भवति, भगवान शंकराचार्य का जो मातृष्टकम है उसमें उन्होंने कहा है। यह जो शक्ति है परमात्मा की, माया शक्ति, अव्यक्त या जो भी शब्द कह लो, ये सभी परमात्मा के साथ भी है और अलग भी है। साथ इसलिए कि बिना परमात्मा के इनकी सत्ता नहीं है, अलग इसलिए है कि ये सबको जलाती है परमात्मा को नहीं जलाती। तो जो एक ही है देव तो माया कहाँ से आ गई? माने गन्ने को डायबिटीज नहीं होता, अग्नि को गर्मी नहीं होती, पृथ्वी को चक्कर नहीं आती, हम एक दिशा में घूमो तो देखो चक्कर आ जाती है, पृथ्वी एक दिशा में घूम रही है अखंड, चक्कर नहीं आ रही उसको। तो जब एक ही है देव तो माया कहाँ से आ गई? और माया कहीं आई न तो छाया कहाँ से आ गई? यदि माया है ही नहीं तो माया का जो कार्य है छाया वो कहाँ से आ गया? माने आप धूप में खड़े हो, सुबह का समय है, सूर्य के तरफ अपने अपनी पीठ कर दी है और सूर्य से मुख मोड़ करके उल्टा देख रहे हैं, तो आपको अपनी परछाया दिखेगी। अब ये परछाया को देखने के बाद अब इस पर थोड़ा चिंतन करना है, क्या ये परछाया बाहर से आई? क्या नहीं? अच्छा तो परछाया कहाँ थी? मुझ में ही थी, तो मेरी ही तो परछाया है वो, तो फिर आप ही से निकली है ना? अरे हाँ जी निकली है, तो आपके अंदर दिखाओ कहाँ है परछाया? नहीं दिखा सकते, लेकिन क्या आपके सिवा परछाया हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये परछाया की क्या स्थिति है? होते हुए भी नहीं है, जैसे दर्पण का प्रतिबिंब। देखो माया कहीं आई न तो छाया कहाँ से आ गई? तो यदि हमने माया को सत्य स्वीकार किया तो फिर हम छाया के बारे में बात करना शुरू करेंगे, लेकिन हमने माया को स्वीकार ही नहीं किया कि माया नाम की कोई अलग वस्तु है, परमात्मा की ही शक्ति है। इसी को कहते हैं सच चित आनंद, सत परमात्मा, उसकी शक्ति चित शक्ति, और उसकी अभिव्यक्ति आनंद, तीन बातें हैं। सच चित आनंद सत इसीलिए कि असत का निराकरण करने के लिए, चित इसीलिए कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए, और आनंद इसलिए कि दुख का निराकरण करने के लिए। असल में ये तीनों का अभाव जिसमें है वो अपना स्वरूप है। तो हमें अपने अभाव का अभाव है, अपने जड़त्व का अभाव है और दुख का अभाव है। तो जो सबके अभाव में है वो अपना स्वरूप है। इसमें करना कुछ नहीं है,
माया कहीं आई न तो छाया कहाँ से आ गई। तो जब हम प्रतिबिंब को सत्य मानते हैं ना, तब संसार शुरू हो जाता है। तो छाया कहाँ से आ गई?